नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पिंटू एंड आप देख रहे हो पिंटू टेक। सो गाइस, आज मेरे पास है यहाँ पर रियलमी C35 मोबाइल। ओके गाइस, और इस फोन में हम सीखने वाले हैं व्हाट्सअप को हाइड करना। जैसे गाइस आपको पता होगा, रियलमी C35 में ऐप हाइड का ऑप्शन नहीं दिया है, ऐप छिपाने का ऑप्शन नहीं दिया है। लेकिन गाइस, इस वीडियो में मैं एक काफ़ी कमाल की ट्रिक लेके आया हूँ, उससे आसानी से आप जो है आसानी से किसी भी ऐप को हाइड कर पाओगे, यानी कि छिपा पाओगे। तो इस वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा व्हाट्सअप को हाइड करना। तो गाइस, अगर आपको सीखना है हाइड करना तो इस वीडियो को पूरा वॉच करिए, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए सीख लेते हैं। इसके लिए गाइस आपको जाना है यहाँ पर प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर चला जाता हूँ। प्ले स्टोर में जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पर सर्च बार में डालना है अपेक्स लॉन्चर। ओके, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, आपको भी अपेक्स लॉन्चर डाल देना है। जैसे ही डालोगे गाइस आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक ऐप आएगा। इस ऐप को आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, मैंने इसे डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करने के बाद गाइस मेन बात आती है इसकी सारी सेटिंग्स को सही से समझना। ठीक है, आप क्या करते हो कि जहाँ पर आपने देखा अपेक्स लॉन्चर डाउनलोड करना है और जाके आप डायरेक्ट सेटिंग्स करने लग जाते हो, फिर बाद में आप बोलते हो कमेंट करके कि भाई ये वर्क नहीं कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है। तो गाइस मेन चीज़ होती है इसकी सारी सेटिंग्स को सही से समझना। तो यहाँ पर आपको सारी सेटिंग्स जो है सही से समझनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ओपन पर क्लिक करता हूँ, आपको भी ओपन पर क्लिक कर देना है। ओपन पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा वेट करना है यहाँ पर। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। ऊपर आपको एक स्किप का ऑप्शन देखने को मिलता है, स्किप कर देना है। आपको फिर से स्किप करना है यहाँ पर दोबारा से, एंड फिर उसके बाद दोबारा भी स्किप करना। नीचे की तरफ स्किप देखने को मिलता है, स्किप का ऑप्शन यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है होम स्क्रीन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर गाइस आप ऑटोमेटिक आप जो है अपने होम स्क्रीन पर पहुँच जाओगे। उसके बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने मिलते हैं, यहाँ पर आपको अपेक्स लॉन्चर को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद एक एड्स होगा, इसे क्लोज कर देना है। यहाँ पर एक ऑप्शन देखने मिलता है अपेक्स सेटिंग्स। ठीक है, आइकन बना हुआ है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर एक आपको ऑप्शन देखने मिलता है हिडन ऐप्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन देखने मिलता है ऐड हिडन ऐप्स, इस पर क्लिक करना है। जिस ऐप को यहाँ पर आप हाइड करना चाह रहे हो उस ऐप को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे करना है व्हाट्सअप को, तो यहाँ पर मैं अपने व्हाट्सअप को देख लेता हूँ। यहाँ पर गाइस मैंने व्हाट्सअप को सिलेक्ट कर लिया है, और नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलता है हिडन ऐप्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है। हाइड ऐप पे ऊपर एक सेटिंग्स का ऑप्शन नजर आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर। जैसे ही क्लिक करोगे आपको ऊपर एक ऑप्शन देखने को मिलता है इनेबल पासवर्ड, इसे आपको इनेबल कर लेना है। जैसे ही इनेबल पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर जो है एक पैटर्न डालना है। ये पैटर्न क्या वर्क करेगा गाइस, जो हमारा अपेक्स लॉन्चर है, अपेक्स लॉन्चर के अंदर कोई भी इंटर होगा तो वहाँ पर एक पैटर्न मांगेगा, एक लॉक मांगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक पैटर्न डाल देना है ताकि आपके अपेक्स लॉन्चर में कोई इंटर ना हो पाए। ओके, तो यहाँ पर मैंने कंफर्म करके डाल दिया है। यहाँ पर बैकअप के लिए अगर आप जीमेल आईडी जानना चाहते हो तो जीमेल आईडी भी डाल सकते हो। मुझे यहाँ पर जीमेल आईडी को नहीं डालना है, यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ, इसे हटा देता हूँ। आपको फिर से बैक हो जाना है यहाँ पर। ठीक है, बैक होने के बाद यहाँ पर गाइस एक ऑप्शन देखने को मिलता है शो इन सर्च रिजल्ट, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे। ठीक है, इससे क्या होने वाला है इस फीचर से गाइस, अगर गाइस आपके आपने जैसे कि व्हाट्सअप को हाइड किया है, ठीक है, यानी कि छिपाया है, अगर गाइस सर्च रिजल्ट में कोई जाके सर्च करेगा तो वहाँ पर सर्च रिजल्ट में नहीं आएगा, तो आपको यहाँ पर इसे डिसेबल कर देना है। ठीक है, यहाँ पर मैं डिसेबल कर देता हूँ। इतना करने के बाद गाइस आपको यहाँ से बिल्कुल बैक हो जाना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अपने व्हाट्सअप को चेक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा व्हाट्सअप था ना, वो हाँ यहाँ पर हाइड हो चुका है। यहाँ पर ये दो आइकन देख पा रहे हो, ये व्हाट्सअप स्टेटस के हैं। ठीक है, और जो हमारा व्हाट्सअप है यहाँ पर हाइड हो चुका है। अब मान के चलो गाइस आपको व्हाट्सअप को यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं व्हाट्सअप को यूज करने के लिए गाइस आपको यहाँ पर अपेक्स सेटिंग्स में फिर से जाना है। जो ऐप है आइकन है यहाँ पर मैं चला जाता हूँ। जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पर हिडन ऐप्स में जाना है। ठीक है, यहाँ पर मैं चला जाता हूँ, और यहाँ पर जो पैटर्न डाला था उस पैटर्न को डाल देना है, और यहाँ पर आपको व्हाट्सअप देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप व्हाट्सअप पर क्लिक करोगे आपका व्हाट्सअप यहाँ पर जो है पैटर्न मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा, जो पासवर्ड डाल रखा है यहाँ मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, और यहाँ पर आपका व्हाट्सअप जो है ओपन हो जाएगा। सो गाइस, इसी प्रकार से आप अपने व्हाट्सअप को यहाँ पर हाइड कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आप जो है व्हाट्सअप को हाइड करना सीख गए होंगे, और आपको ये वीडियो भी काफ़ी पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए यार, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।